ओके नाउ सीरियस क्वेश्चन, तो ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, सबसे पहले बोला है फाइंड ए प्लस बी, तो इफ वी ऐड ए वेक्टर विद बी वेक्टर वी गेट अ न्यू वेक्टर, वी गेट अ न्यू वेक्टर, सो लेट मी कॉल इट अ सी वेक्टर, मैं क्या बोलूंगा उसको सी वेक्टर, तो सी वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो व्हाट इज ए वेक्टर 2i कैप प्लस, व्हाट इज बी वेक्टर माइनस 5i कैप प्लस, बताओ कैन आई ऐड i कैप विद j कैप, नो, वेरी गुड, i कैप कैन नॉट बी ऐडेड विद j कैप बिकॉज़ i कैप इज अ वेक्टर ऑफ x एक्सिस में, दैट इज अबाउट y, सो i कैप कैन बी ऐडेड विद i कैप एंड j कैप कैन बी डायरेक्टली ऐडेड विद j कैप, आई मीन स्केलर एडिशन, वैसे तो एक वेक्टर कैन बी ऐडेड टू एनी वेक्टर, बट इफ आई वांट टू डू स्केलर एडिशन दैट मींस 2 प्लस माइनस 5 माइनस 3 करेक्ट, कितना हो जाएगा माइनस 3 आई और 3 प्लस 4 7 7 जे आगे प्लस बी, बोलो सब करेंगे, अच्छा आप निकाल रहे टी वेक्टर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब सब्ट्रैक्ट करना है राइट, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ऑफ 5i कैप प्लस 4j कैप, तो ये होगा 2 प्लस 5 7 और 3 प्लस 3 माइनस 4 माइनस j कैप, समझ में आपको हो गया सब्ट्रैक्शन, वेरी सिंपल, बोलो वेरी गुड, तो अब आप आ जाइए, अब मॉड बोला है इसका मॉड निकालने बोला a प्लस b का, देखो ये a प्लस b है थर्ड पार्ट में क्या बोला है a प्लस b क्या चाहिए मॉड चाहिए, अगर ए प्लस बी का मॉड बोला है तो इसका मतलब सी का मॉड बोला है, ए प्लस बी का मॉड मतलब सी का मॉड, तो इसका मॉड निकाल देते हैं, तो निकाल देते हैं तो सी का मॉड कितना आएगा फ्रेंड्स, तो वो आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 9 प्लस 49, तो 9 प्लस 49 कितना आएगा 38, हो गया मिल गया हमें मॉड सी, फिर बोला है फाइंड मॉड ऑफ ए माइनस बी, लेकिन a माइनस बी किसके बराबर है d के बराबर, इसका मॉड भी किसके बराबर होगा d के मॉड के बराबर होगा, तो इसका मॉड निकालो, इसका मॉड आ जाएगा आपका अंडर रूट 49 प्लस 1 यानी रूट 57 का स्क्वायर 49 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 49 प्लस 1 50, समझ में आ रही है, तो यहाँ पे जब भी स्क्वायर कर रहे हो स्क्वायर करो तो माइनस साइन नहीं आएगा, हमेशा अंदर क्या आएगा प्लस साइन आएगा, हालांकि ये माइनस वन है इसका स्क्वायर क्या होगा प्लस वन होगा, वेरी गुड, तो ये हो गए चार पार्ट, अभी आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, बोला है फाइंड ए कैप, तो मैंने आप लोग बताया था कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड, क्या आप लोगों ने इसको याद रखा है याद रखा, मैंने बोला था यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नेटिक, वेरी सिंपल नाउ, तो ए वेक्टर डालो कितना ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप और उसका मॉड नीचे डालो रूट 13, ये जो है इसका मॉड कितना है ए वेक्टर का, इसका मॉड है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 13, तो यूनिट वेक्टर मिल गया मुझे, ए का यूनिट वेक्टर मिल गया, आई हैव गॉट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, आई हैव गॉट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, आई हैव ऑब्टेंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बोलो दैट्स ऑल वेरी सिंपल, तो यहां हो गया 2 बाय रूट 13 आई कैप प्लस 3 बाय रूट 13 जे कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, सिमिलरली यू टू फाइंड बी कैप, क्या करना पड़ेगा बोलो, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर कितना है माइनस 5 आई कैप प्लस डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 और 16 41 हो जाएगा 41, सही है बता गया अंडर रूट 41, फिर जिनको दो कंपोनेंट में मिल गए आपको यूनिट वेक्टर, दैट्स वेरी सिंपल, तो दैट्स आई कैप एंड दैट्स 4 बाय अंडर रूट 41 जे कैप, समझ में आपको, अब आप देखो उसके लास्ट दो पार्ट में आपको क्या करना है, आपको निकालना है सी का यूनिट वेक्टर, तो सी वेक्टर का है ये रहा सी वेक्टर, बस हो गया फिर यहां भी वही करना है सी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यानी दिस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 58 ये सी कैप, और लास्ट में बोला है डी का इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो डी वेक्टर ये रहा इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय
its magnitude gives us unit vector.